हेलो स्टूडेंट्स, एनएस तथा जीएम क्लासेज में आपका स्वागत है। इससे पहले वाली क्लास के अंदर हमने जो टॉपिक पढ़ा था वो टॉपिक था आपके पास में आरसी परिपथ के अंदर प्रत्यावर्ती धारा का मान ज्ञात करना, और हमने आरसी परिपथ के अंदर फेजर आरेख की सहायता से जो प्रत्यावर्ती धारा निकाली थी उससे प्रत्यावर्ती धारा और प्रत्यावर्ती वोल्टता के मध्य क्या संबंध निकला था उसको अच्छे से समझना कि आपके पास में फेजर आरेख से स्पष्ट होता है कि जो आपके पास प्रत्यावर्ती धारा होती है वो प्रत्यावर्ती वोल्टता से कितना आगे होती है, फाई कोण आगे होती है। परंतु आपके पास में आर एल परिपथ के अंदर जो प्रत्यावर्ती धारा है वो प्रत्यावर्ती वोल्टता से कितना पीछे होती है, फाई कोण पीछे होती है। अब इससे अगले वाला जो टॉपिक है वो टॉपिक आपके पास वेरी 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 इंपॉर्टेंट, और वो है आपके पास में आर एल सी परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा ज्ञात करना। तो यहाँ पे आपके पास में जो तीनों का क्या है, कॉम्बिनेशन है, प्रतिरोध का भी, प्रेरक का भी और संधारित्र का भी, तीनों का क्या है यहाँ पे कॉम्बिनेशन है। इस कॉम्बिनेशन के अंदर हम क्या निकालेंगे, प्रत्यावर्ती धारा का मान निकालेंगे। किस प्रकार से निकालेंगे, किस प्रकार से इसको हल करेंगे, अच्छे से समझना। तो टॉपिक आपके पास में आर एल सी परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा ज्ञात करना, आर एल सी परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा ज्ञात करना। तो आपके पास में आर एल सी परिपथ के अंदर प्रत्यावर्ती धारा ज्ञात करने के लिए हमें किस किस की आवश्यकता होगी, एक प्रतिरोध आर तथा प्रेरक एल और संधारित्र सी की क्या होती है, आवश्यकता होती है। तो आपके पास में एक प्रतिरोध क्या है, आर है, एक प्रतिरोध क्या है, आर है, एक प्रेरक क्या है आपके पास में, एल है, एक प्रेरक क्या है, एल है, और एक क्या है आपके पास में संधारित्र सी है। इन तीनों को क्या करते हैं, प्रत्यावर्ती धारा स्रोत के साथ, प्रत्यावर्ती धारा स्रोत के साथ कौन से क्रम के अंदर जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम के अंदर जोड़ते हैं, क्या करते हैं, श्रेणी क्रम के अंदर जोड़ते हैं। तो यहाँ पे ध्यान देना कि आपके पास में प्रत्यावर्ती धारा स्रोत की जो वोल्टता है V बराबर कितना है, Vm साइन ओमेगा t है। प्रत्यावर्ती धारा स्रोत की जो वोल्टता है V बराबर Vm साइन ओमेगा t है। अब उससे आगे आपके पास में ध्यान से समझना कि आपके पास में जब परिपथ के अंदर आई धारा t समय के लिए क्या होती है, प्रवाहित होती है, तब आपके पास में आर एल सी के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर। तो मान लिया आपके पास में आर एल सी के सिरों पर जो उत्पन्न विभवांतर है वो कितना मान लिया, वी एम आर एल सी है, कितना है, वी एम आर एल सी है, क्योंकि आपके पास में प्रतिरोध के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर कितना होगा, वी एम आर होगा, प्रेरक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर कितना होगा, वी एम एल होगा, और संधारित्र के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर कितना होगा, वी एम सी होगा। तो आपके पास में यहां पे लिखेंगे कि जब आपके पास, जब परिपथ में आई धारा टी समय के लिए प्रवाहित होती है, टी समय के लिए, प्रवाहित होती है, तब आर एल सी के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर या प्रतिरोध आर या प्रेरक एल तथा संधारित्र सी के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर, तो यहां पे लिख रहा हूं मैं आर एल सी के
सिरों पर उत्पन्न विभांतर, उत्पन्न विभांतर किरचॉफ के लूप नियम से, किरचॉफ के लूप नियम से। अब आपके पास में किरचॉफ का लूप नियम क्या कहता है कि किसी बंद परिपथ के अंदर प्रवाहित सभी वोल्टताओं का बीजगणितीय योग का मान क्या होता है, शून्य होता है। तो आपके पास में यहाँ पे जब परिपथ के अंदर आई धारा प्रवाहित होती है तब आपके पास में आर एल सी के सिरों पर उत्पन्न जो विभांतर है कितना माना है, वी एम आर एल सी माना है। तो किरचॉफ के दूसरे नियम से क्या होगा भाई, आपके पास में हो जाएगा V माइनस में V M R L C बराबर कितना होगा, जीरो होगा। तो आपके पास में इस माइनस V M R L C को उस साइड भेजेंगे तो क्या मान होगा आपके पास में, V बराबर हो जाएगा V M R L C। अब आपके पास में यहाँ पे ध्यान देना कि V बराबर कितना दे रखा है, V M साइन ओमेगा T दे रखा है। तो आपके पास में यहाँ पे वी एम आर एल सी बराबर कितना होगा, वी एम साइन ओमेगा टी होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे वी एम आर एल सी बराबर कितना हो गया, वी एम साइन ओमेगा टी, वी एम साइन ओमेगा टी। अब उससे आगे अच्छे से समझना कि आपके पास में जो वी एम आर एल सी है वो आपके पास प्रतिरोध R, प्रेरक L तथा संधारित्र C तीनों के ऊपर उत्पन्न परिणामी क्या है, विभांतर है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, तीनों को अलग अलग लिख सकते हैं, कुल योग के क्या है, बराबर है। तो इसको हम अलग अलग लिखेंगे तो आपके पास यहाँ पे क्या होगा, वी एम आर प्लस में वी एम एल प्लस में वी एम सी बराबर कितना हो जाएगा, वी एम साइन ओमेगा टी होगा, वी एम साइन ओमेगा टी। तो ये अगर आपके पास इसको समीकरण नंबर एक देना चाहो दे दो, नहीं इसको आगे सोल्व कर लेते हैं। आपके पास में जो प्रतिरोध है, प्रतिरोध के ऊपर, प्रतिरोध के सिरों पर जो उत्पन्न विभांतर है वो किससे निकालेंगे, ओम के नियम से। तो आपके पास इसके अंदर प्रवाहित धारा कितनी है, आई है, और इसका प्रतिरोध कितना है, आर है। तो VMR बराबर कितना होगा आपके पास में, आई आर होगा। तो यहां पे लिखेंगे आपके पास में आई आर प्लस में, यहां पे ध्यान देना भाई आपके पास किसका मान डाला है, मैंने VMR का मान डाला है। उससे आगे आपके पास में कि शुद्ध प्रेरक के अंदर प्रत्यावर्ती जो धारा है वो, प्रत्यावर्ती जो वोल्टता है वो समय के साथ क्या होती है, परिवर्तित होती है। इसलिए फैराडे के नियम से VML बराबर कितना होगा आपके पास में, L DI बटे कितना होगा आपके पास में, DT होगा। प्लस आपके पास उससे आगे क्या है, VMC कि शुद्ध संधारित्र के अंदर जो प्रत्यावर्ती वोल्टता है वो आपके पास में किससे निकालेंगे, धारिता की परिभाषा से। इससे पहले वाले टॉपिक के अंदर मैंने करवा रखा है कि आपके पास में शुद्ध संधारित्र के अंदर जो वोल्टता होगी वो किससे निकालेंगे, संधारित्र की धारिता की परिभाषा से। तो आपके पास क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा आपके पास में Q अपॉन में C, Q अपॉन में C बराबर आपके पास कितना मान दे रखा है, वी एम साइन ओमेगा टी दे रखा है। तो क्या हो जाएगा, वी एम साइन ओमेगा टी, या गया समीकरण नंबर ए, समीकरण नंबर ए। अब उससे आगे ध्यान से समझना भाई, क्योंकि इस समीकरण की आवश्यकता हमें, इस समीकरण को सोल्व क्यों किया है, क्योंकि इसकी आवश्यकता अगले वाले टॉपिक के अंदर हमें पड़ेगी कि आपके पास में एल सी आर परिपथ का विश्लेषणात्मक हल क्या करना है, निकालना है, तब हमें क्या होगी, इस समीकरण की क्या होगी, आवश्यकता होगी। अब उससे आगे देखना कि आपके पास में क्या मान होगा कि अब आर एल सी परिपथ के अंदर क्या क्या जुड़े हुए हैं, प्रतिरोध जुड़ा हुआ है, प्रेरक जुड़ा हुआ है,
और क्या जुड़ा हुआ है संधारित्र है, सी जुड़ा हुआ है। तो अब आपके पास में जब प्रेरक के जो परिपथ है, परिपथ के अंदर प्रतिरोध, प्रेरक और संधारित्र जोड़ते हैं तो प्रत्यावर्ती धारा और प्रत्यावर्ती वोल्टा में कलांतर कितना होता है, उसको मैंने अच्छे से आपको समझाया था कि जब परिपथ के अंदर क्या जोड़ते हैं, शुद्ध प्रतिरोध जोड़ते हैं, तब आपके पास में जो प्रत्यावर्ती धारा और प्रत्यावर्ती वोल्टा है दोनों क्या होती हैं, समान कला में होती हैं, उनके मध्य कलांतर का मान कितना होता है, शून्य होता है। कितना होता है, शून्य होता है। उससे आगे मैंने बताया था कि आपके पास में शुद्ध प्रेरक के अंदर क्या होती है, प्रत्यावर्ती धारा प्रत्यावर्ती वोल्टा से कितना पीछे होती है, पाई बाई टू कोण क्या होती है, पीछे होती है। प्रत्यावर्ती धारा और प्रत्यावर्ती वोल्टा के मध्य कलांतर का मान कितना होता है, पाई बाई टू होता है। उससे आगे आपके पास में संधारित्र सी, संधारित्र सी के अंदर आपके पास में जो प्रत्यावर्ती धारा है वो प्रत्यावर्ती वोल्टा से क्या होती है, आगे होती है पीछे होती है, आगे होती है, क्योंकि आपके पास में वहां पे फेजर आरेख से निष्कर्ष निकला था कि आपके पास में जब प्रत्यावर्ती वोल्टा के रास्ते में क्या लगाते हैं, शुद्ध संधारित्र लगाते हैं, तब आपके पास में जो प्रत्यावर्ती धारा है वो प्रत्यावर्ती वोल्टा से कितना होती है, पाई बाई टू कोण कला कोण आगे होती है। इसलिए आपके पास दोनों के मध्य कलांतर का मान कितना हो गया, कितना, पाई बाई टू हो गया। तो उससे आगे ध्यान से समझना कि फेजर आरेख की सहायता से हम क्या लिख सकते हैं कि प्रतिरोध आपके पास में जो आर है उसमें प्रत्यावर्ती धारा वी एम आर तथा आई एम, प्रत्यावर्ती वोल्टा वी एम आर तथा प्रत्यावर्ती धारा आई एम क्या होती हैं, समान कला में होती हैं। परंतु आपके पास में शुद्ध प्रेरक के अंदर जो प्रत्यावर्ती वोल्टा है वी एम सी वो प्रत्यावर्ती धारा से कितना आगे होती है, पाई बाई टू कला कोण क्या होती है, आगे होती है। और शुद्ध संधारित्र के अंदर आपके पास में जो प्रत्यावर्ती वोल्टा है वी एम सी वो प्रत्यावर्ती धारा आई एम से कितना पीछे होती है, पाई बाई टू कोण क्या होती है, पीछे होती है। तो इसका सेकंड डायग्राम क्या करते हैं, बनाते हैं। सेकंड डायग्राम को अच्छे से समझना, अब यहां पे ध्यान देना भाई, ये इसका क्या है मूल बिंदु, वो है एक्स एक्स डैश वाई, वो सॉरी वाई, और क्या होगा यहां पे एक्स डैश और यहां हो जाएगा वाई डैश। तो आपके पास यहां पे अच्छे से ध्यान देना कि आपके पास मान लिया इस साइड क्या है, प्रतिरोध आर है, तो प्रतिरोध आर के अंदर प्रत्यावर्ती धारा और प्रत्यावर्ती वोल्टा क्या होती है, समान कला में होती है। तो इस साइड हो जाएगा आपके पास में वी एम आर और क्या हो जाएगा आई एम, दोनों क्या है, समान कला में है। तो इस साइड आपके पास में क्या आ चुकी है, प्रत्यावर्ती धारा आ चुकी है, क्या आ चुकी है, प्रत्यावर्ती धारा। अब उससे आगे ध्यान से समझना कि आपके पास में शुद्ध प्रेरक के अंदर आपके पास में जो प्रत्यावर्ती वोल्टा है वी एम सी वो प्रत्यावर्ती धारा आई एम से कितना आगे होती है, पाई बाई टू कोण क्या होती है, आगे होती है। इस साइड क्या हो जाएगा आपके पास में वी एम एल, वी एम एल क्या होगा, प्रत्यावर्ती धारा से पाई बाई टू कोण क्या होगा, आगे होगी, क्या होगा, आगे होगा। उससे आगे देखना कि आपके पास में शुद्ध संधारित्र के अंदर जो प्रत्यावर्ती वोल्टा है वी एम सी वो प्रत्यावर्ती धारा से कितना पीछे होती है, वी एम सी कितना पीछे होती है, पाई बाई टू कोण क्या होती है, पीछे होती है। इसलिए आपके पास में यहां पे वी एम एल और वी एम सी के मध्य कुल कोण कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया, कितना हो गया, 180 डिग्री। ध्यान रखना भाई, क्योंकि आपके पास में वी एम एल और वी एम सी के मध्य जो कोण बना है वो कितना है आपके पास में, 180 डिग्री। तो कलांतर का मान कितना हो गया, 180 डिग्री।
अब आपके पास में यहां पे तीन वोल्टताएं आ रही है, VMR, VML, VMC। तो इन तीनों का जो परिणामी है वो मान लिया आपके पास में क्या है, वो परिणामी मान लिया VMRL C है, और ये IM के साथ कितना कोण बना रहा है, फाई कोण बना रहा है। कितना कोण बना रहा है, फाई कोण बना रहा है। तो इसको अच्छे से समझना भैया, इसको अच्छे से समझना कि आपके पास में अब ये किस प्रकार से होगा, ये इस प्रकार से लंबवत क्या होगा, बाहर की ओर होगा। तो आपके पास में ये आई एन के साथ कितना कोण बना रहा है, फाई कोण बना रहा है। तो नाम दे दो इसको ओ, यहां पे ए, यहां बी, और यहां क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो आपके पास में यहां पे अब यहां ध्यान देना कि आपके पास में ओबी किसके बराबर है, वीएमआर के बराबर है। किसके बराबर है, वीएमआर के बराबर है। और आपके पास में जो कौन सा है, ए बी है, ये किसके बराबर, आपके पास में जो ओ सी ये क्या है, वीएमएल है। और आपके पास में ओ यहां पे डी दे दो, जो डी है वो किसके बराबर, वी एम सी के बराबर है। परंतु आपके पास ये तो इस प्रकार से है, तो ये जो भुजा है ए बी, जो भुजा है ए बी वो इन दोनों के अंतर के क्या होगी, समान होगी। तो इसको हम लिखेंगे वी एम एल माइनस में वी एम सी, वी एम एल माइनस में वी एम सी। तो आपके पास में इसको इसके बराबर ही मानते हैं, वी एम एल माइनस कितना हो जाएगा, वी एम सी हो जाएगा। तो यहां पे ध्यान देना, त्रिभुज ओ ए बी में कौन सा त्रिभुज भी आपके पास में, समकोण त्रिभुज है। तो यहां लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी ओ में, ए बी ओ में। अब आपके पास में समकोण त्रिभुज के अंदर पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा भाई, आपके पास में कर्ण स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, आधार स्क्वायर प्लस में लंब स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस में लंब स्क्वायर। अब आपके पास में कर्ण कौन सा है, ओ ए है, तो क्या होगा आपके पास, ओ ए का स्क्वायर प्लस में आधार कौन सा है आपके पास में, ओ बी है, बराबर हो जाएगा आपके पास में ओ बी का स्क्वायर प्लस में लंब कौन सा है, ए बी है, तो ए बी का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब आपके पास यहां पे ध्यान देना कि आपके पास चूंकि ओ ए, ओ ए बराबर कितना मान दे रखा है आपके पास में, वी एम आर एल सी दे रखा है, तो यहां हो जाएगा वी एम आर एल सी। और आपके पास में ओबी, ओबी का मान कितना दे रखा है, वी एम आर दे रखा है, तो यहां लिखेंगे ओबी बराबर हो गया वी एम आर। और आपके पास में एबी, एबी का मान कितना दे रखा है, वी एम एल माइनस में वी एम सी, तो यहां लिखेंगे एबी बराबर हो गया आपके पास में वी एम एल माइनस में वी एम सी। तो OA, OB, AB तीनों का मान उठाकर इस समीकरण के अंदर डालेंगे तो क्या मान होगा, उसको अच्छे से समझना। इस साइड से रब कर रहा हूं, तो आपके पास में ये तीनों मान उठाकर यहां डालेंगे, OB का मान कितना है आपके पास में, VM आर एल सी का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, बराबर आपके पास ओबी का मान कितना है, वी एम आर का क्या हो गया, स्क्वायर, प्लस में आपके पास में एबी का मान कितना है, वी एम एल माइनस में वी एम सी का होल स्क्वायर। कितना हो गया, होल स्क्वायर। अब आपके पास में इससे आगे ध्यान देना कि आपके पास में शुद्ध प्रेरक के अंदर जो प्रत्यावर्ती वोल्टता का शिखर मान है वो क्या होगा आपके पास में, वी एम आर,
बराबर कितना होता है भाई आपके पास में आई एम और कितना हो जाएगा आर, वी एम आर बराबर कितना हो गया आई एम और आर, क्योंकि आपके पास में जब शुद्ध प्रेरक के अंदर प्रत्यावर्ती धारा का मान निकाला था तब आपके पास आई एम बराबर कितना आया था आई एम बराबर आया था वी एम आर बटे कितना आया था आर आया था, और जो आई एम है वो क्या है आपके पास प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान है। तो उससे आगे आपके पास में वी एम एल बराबर कितना मान होगा आपके पास में आई एम और कितना होगा एक्स एल, उससे आगे आपके पास में वी एम सी बराबर कितना होगा आई एम और कितना हो जाएगा एक्स सी होगा। ये तीनों मान उठाकर इस समीकरण के अंदर डालेंगे तो क्या होगा आपके पास में वी एम आर एल सी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा आई एम आर का क्या हो गया होल स्क्वायर प्लस में वी एम एल, वी एम एल का मान कितना है आई एम और एक्स एल माइनस में वी एम सी का मान कितना है आई एम और एक्स सी का होल स्क्वायर। तो यहां पे ध्यान देना कि आपके पास में आई एम को क्या करेंगे बाहर निकालेंगे तो इन दोनों के ऊपर पावर कितनी है टू है तो क्या बाहर आ जाएगा आई एम स्क्वायर बाहर आ जाएगा। तो आपके पास क्या मान हो जाएगा वी एम आर एल सी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा आई एम स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा आई एम स्क्वायर इन दोनों में से बाहर निकाल लिया तो यहां कितना बच गया एक्स एल माइनस में एक्स सी का होल स्क्वायर, एक्स एल माइनस में एक्स सी का होल स्क्वायर। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है आपके पास में आई एम स्क्वायर क्या हो रहा है कॉमन आ रहा है उसको बाहर निकाल लो तो क्या होगा आपके पास वी एम आर एल सी का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा आपके पास में आई एम स्क्वायर और कितना हो गया इंटू आर स्क्वायर प्लस में आई एम स्क्वायर ओ सॉरी आई एम तो बाहर चला गया यहां कितना बच गया एक्स एल माइनस में एक्स सी का होल स्क्वायर, ये मान क्या हो गया आपके पास में बच गया। हमें मान किसका निकालना है आई एम का निकालना है तो इस मान को क्या करेंगे इस साइड भेजेंगे तो आपके पास में आई एम स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा वी एम आर एल सी का स्क्वायर बटे कितना हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस में एक्स एल माइनस में एक्स सी का होल स्क्वायर। मान किसका चाहिए आई एम का तो इस साइड स्क्वायर को भेजेंगे किस में जाएगा वर्गमूल में जाएगा तो क्या होगा आपके पास में आई एम बराबर हो जाएगा अंडर रूट क्या हो जाएगा आपके पास में वी एम आर एल सी का स्क्वायर बटे कितना हो जाएगा आपके पास आर स्क्वायर प्लस में एक्स एल माइनस में एक्स सी का होल स्क्वायर। तो वी एम आर एल सी का स्क्वायर अंडर रूट से क्या होगा बाहर आ जाएगा तो यहां से मैं रब कर रहा हूं भाई तो क्या मान होगा आपके पास में यहां होगा आई एम बराबर कितना हो जाएगा आपके पास में वी एम आर एल सी बटे कितना हो गया आपके पास में अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस में एक्स एल माइनस में एक्स सी का होल स्क्वायर, कितना है आर स्क्वायर प्लस में एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर और उसका क्या है अंडर रूट है। तो आपके पास में यहां जेड बराबर क्या है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस में एक्स एल माइनस में एक्स सी का होल स्क्वायर, यहां जो जेड है वो आपके पास में क्या है प्रतिबाधा है, क्या है प्रतिबाधा। तो मैं यहां लिख रहा हूं जेड बराबर क्या है प्रतिबाधा और प्रतिबाधा का मान कितना है आपके पास में जेड बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस में एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। तो ध्यान रखना भाई क्योंकि अब आगे मैं प्रतिबाधा बोलूंगा तो आपके पास मान कितना होगा आर स्क्वायर प्लस में एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर का क्या है अंडर रूट है। तो अब आपके पास ये मान उठाकर यहां डालेंगे तो क्या मान होगा आपके पास में आई एम बराबर कितना हो जाएगा वी एम आर एल सी बटे कितना हो जाएगा जेड, बटे कितना हो गया जेड। तो ये किसका मान आ गया आपके पास में
यह आ गया प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान आ गया। तो अब इससे आगे हम क्या निकालेंगे, कलांतर फाई निकालेंगे। तो कलांतर फाई कैसे निकालेंगे अच्छे से समझना। कलांतर फाई, तो कलांतर फाई बराबर आपके पास में जो परिणामी प्रत्यावर्ती वोल्टता V, M, R, L, C वो प्रत्यावर्ती धारा के साथ कितना कोण बना रही है, फाई कोण बना रही है। तो आपके पास में क्या होगा, यहां होगा tan फाई, tan फाई, tan फाई बराबर क्या होगा आपके पास में लाल बटे कक्का से, तो लाल बटे कक्का से हो जाएगा आपके पास लंबटे आधा, लंबटे आधा। तो आपके पास में यहां पे देखना त्रिभुज ओ ए बी के अंदर लंब कौन सा है, ए बी बटे आधार कितना है ओ बी, तो क्या होगा आपके पास में यहां होगा ए बी बटे कितना हो जाएगा ओ बी होगा, ए बी बटे ओ बी। तो उससे आगे आप आपके पास में जो ए बी है, ए बी का मान कितना है आपके पास में वी एम एल माइनस वी एम सी, और आपके पास में ओ बी, ओ बी का मान कितना है वी एम आर है। तो यहां लिखेंगे चूंकि आपके पास में ए बी बराबर दे रखा है वी एम एल माइनस में वी एम सी, और आपके पास में ओ बी, ओ बी बराबर कितना मान दे रखा है वी एम आर दे रखा है, तो ये दोनों मान उठाकर यहां डालेंगे तो आपके पास क्या होगा tan फाई, tan फाई बराबर हो जाएगा वी एम एल माइनस में वी एम सी बटे कितना हो गया वी एम आर हो गया, क्या हो गया वी एम आर। अब आपके पास यहां पे ध्यान देना कि आपके पास में चूंकि वी एम आर बराबर कितना होता है वी एम आर बराबर कितना होता है आई एम आर होता है, और आपके पास में वी एम एल बराबर कितना होता है आई एम और एक्स एल होता है, और वी एम सी बराबर कितना होता है आई एम और एक्स सी होता है। ये तीनों मान उठाकर यहां डालेंगे तो आपके पास में क्या मान आएगा, आपके पास में मान आएगा tan फाई, tan फाई बराबर कितना होगा आपके पास में वी एम एल, वी एम एल का मान कितना है आई एम एक्स एल माइनस में वी एम सी, वी एम सी का मान कितना है आई एम इंटू एक्स सी बटे वी एम आर का मान कितना है आई एम इंटू आर। ऊपर वाले दोनों मानों में से क्या कॉमन आ रहा है आई एम कॉमन आ रहा है, बाहर निकाल लो तो आपके पास में tan फाई, tan फाई बराबर क्या होगा आई एम इंटू एक्स एल माइनस में एक्स सी बटे कितना हो जाएगा आई एम इंटू आर, आई एम से आई एम क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या समीकरण बच गया tan फाई, tan फाई बराबर क्या मान हो गया आपके पास में एक्स एल माइनस में एक्स सी बटे कितना हो गया आर हो गया, कितना हो गया आर। तो हमें मान किसका निकालना है, कलांतर का निकालना है, फाई का निकालना है, तो टेन को क्या करेंगे इस साइड में देंगे, किसमें जाएगा इनवर्स के रूप में जाएगा, तो फाई बराबर हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स एल माइनस में एक्स सी बटे कितना हो गया आर हो गया। ये किसका मान आ गया आपके पास में कलांतर का मान आ गया, किसका मान आ गया कलांतर का मान आ गया। अब उससे आगे अच्छे से समझना कि आपके पास में कलांतर का मान आ चुका है, तो यहां चित्र के अंदर देखना कि आपके पास में जो परिणामी वोल्टता है वी एम आर एल सी, वी एम आर एल सी, तो ये जो परिणामी वोल्टता है वो आपके पास में प्रत्यावर्ती धारा से कितना आगे है या कितना पीछे है, तो ध्यान से समझना क्योंकि आपके पास में ये इस दिशा में होगा, क्या होगा इस दिशा में होगा, तो आपके पास जो प्रत्यावर्ती धारा है वो प्रत्यावर्ती वोल्टता से क्या होती है फाई कोण क्या होती है पीछे होती है, क्या होती है पीछे होती है,
तो इस बात का विशेष ध्यान रखना भाई। इससे पहले वाले परिपथ के अंदर क्या थी, प्रत्यावर्ती मूलता आगे थी, परंतु इसके अंदर आपके पास में जो प्रत्यावर्ती जो वोल्टता है वो प्रत्यावर्ती धारा से क्या है, फाई कोण क्या है, आगे है, और जो प्रत्यावर्ती धारा है वो प्रत्यावर्ती वोल्टता से क्या है, फाई कोण पीछे है। इसलिए आपके पास में जो प्रत्यावर्ती धारा है उसका समीकरण क्या होगा, आई बराबर हो जाएगा आई एन, और कितना होगा साइन ओमेगा टी माइनस में क्या होगा, फाई होगा। अब यहाँ पे आपके पास में आई एन का मान हम पहले ही निकाल चुके हैं, कितना है आई एम बराबर वी एम आर एल सी बटे कितना है जेड है। आपके पास जेड क्या है, प्रतिबाधा है, क्या है, प्रतिबाधा। तो अभी जिक्र करेंगे प्रतिबाधा क्या होती है। तो ये समीकरण आ गया आपके पास किसका, आई का, प्रत्यावर्ती धारा का, आई बराबर आई एम साइन ओमेगा टी माइनस में फाइव। तो अब आगे क्या करेंगे, प्रत्यावर्ती धारा और प्रत्यावर्ती वोल्टता के मध्य क्या बनाएंगे, फेजर आरेख बनाएंगे, क्या बनाएंगे, फेजर आरेख बनाएंगे। तो इसके अंदर कंडीशन लगेंगी भाई, कौन कौन सी कंडीशन है, किस किस प्रकार से लगेंगी, उनको अच्छे से समझना, क्योंकि उसके ऊपर न्यूमेरिकल आता है बोर्ड एग्जाम में। तो न्यूमेरिकल को सोल्व करने के लिए तीनों कंडीशन आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए। तो आपके पास में सबसे पहले हम लिखेंगे कि आपके पास में प्रत्यावर्ती वोल्टता वी एम आर एल सी बराबर कितना मान आया था, वी एम इंटू साइन ओमेगा टी था, क्या था, वी एम आर एल सी बराबर था वी एम साइन ओमेगा टी। और आपके पास में जो प्रत्यावर्ती धारा आई है, आई बराबर कितना आया है, आई एम साइन कितना है आपके पास, ओमेगा टी माइनस में फाइव। अब इसके अंदर जो कंडीशन फर्स्ट लगेगी वो है आपके पास में कंडीशन फर्स्ट। कंडीशन फर्स्ट क्या है उसको अच्छे से समझना। यदि आपके पास में जो एक्सएल है वो क्या है, बड़ा है, या फिर आपके पास में जो वी एम एल है वो बड़ा है किससे, वी एम सी से, किससे, वी एम सी से। तो कहने का मतलब क्या है कि आपके पास में प्रेरक की जो वोल्टता है वो किससे, संधारित्र की वोल्टता से क्या है, अधिक है। तब आपके पास में जो एक्स एल होगा वो बड़ा होगा किससे, एक्सी से। तो एक्स एल बड़ा होगा किससे, एक्सी से। तब आपके पास में कलांतर फाई बराबर कितना होगा, टेन इनवर्स एक्स एल माइनस में एक्सी बटे कितना आया था, आ रहा था। जब आपके पास एक्स एल बड़ा है किससे, एक्सी से, तो कलांतर फाई बराबर कितना होगा, धनात्मक होगा, कैसा होगा, धनात्मक होगा। अब आपके पास में कलांतर फाई क्या हो रहा है, धनात्मक आ रहा है। तब आपके पास में जो परिपथ हमने बनाया था, जो परिपथ हमने बनाया था वो आर एल परिपथ के भांति क्या करता है, व्यवहार करता है। आर एल परिपथ के भांति क्या करता है, व्यवहार करता है, क्योंकि आपके पास में संधारित्र की जो वोल्टता है वो क्या है, प्रेरक की वोल्टता से कम है। तो आपके पास जो परिपथ है वो किसके भांति व्यवहार करता है, आर एल परिपथ के भांति व्यवहार करता है। तब आपके पास में आर एल परिपथ के भांति व्यवहार करता है तो आपके पास में परिणामी जो आपके पास में धारित्य प्रतिघात है, जो परिणामी धारित्य प्रतिघात एक्सएल है वो आपके पास क्या करता है, जो परिपथ है वो धारित्य प्रतिघात के क्या करता है, समान व्यवहार करता है। तो आपके पास में ध्यान से सुनना कि जो परिणामी प्रतिघात है वो आपके पास में प्रेणिक प्रतिघात की तरह क्या करता है, व्यवहार करता है। तो ये हो गया। अब इसके मध्य क्या बनाएंगे, फेजर आरेख बनाएंगे। तो फेजर आरेख को अच्छे से समझना भाई। आपके पास में क्या है, एक्स है, वाई
एक्स डैश और इस साइड हो जाएगा वाई डैश। ये क्या आपके पास मूल बिंदु ओ है। तो ध्यान देना कि आपके पास इस साइड आपने क्या माना था, प्रतिरोध आर माना था, और आपके पास में प्रतिरोध आर की जो कला है वो कितनी होती है, वी एम आर की कला कितनी होती है, ओमेगा टी होती है। कितनी होती है, ओमेगा टी होती है। और आपके पास में प्रतिरोध आर के अंदर प्रत्यावर्ती वोल्टता और प्रत्यावर्ती धारा क्या होती है, समान कला में होती है। उससे आगे अच्छे से समझना कि साइड आपके पास में प्रत्यावर्ती धारा है तो आपके पास में जो प्रत्यावर्ती वोल्टता है वो आपके पास में क्या होगी, फाई कोण क्या होगी, आगे होगी। तो आपके पास में इस साइड ये क्या हो गया, वी एम आर एल सी हो गया, और ये प्रत्यावर्ती धारा से फाई कोण क्या है, आगे है। क्या है, फाई कोण आगे है। परंतु आपके पास में शुद्ध प्रेरक के अंदर जो प्रत्यावर्ती वोल्टता है वो प्रत्यावर्ती धारा से कितना आगे होती है, पाई बाई कोण क्या होती है, आगे होती है। इसलिए आपके पास में यहां इस साइड क्या होगा, आपके पास में इस साइड होगा वी एम एल, और आपके पास में इन दोनों के मध्य जो कोण बनेगा वो कितना होगा, 90 डिग्री होगा, पाई बाई टू होगा। उससे आगे ध्यान देना कि आपके पास में जो शुद्ध संधारित्र है, शुद्ध संधारित्र के अंदर जो प्रत्यावर्ती धारा है वो प्रत्यावर्ती वोल्टता से कितना आगे होती है, पाई वाई टू कोण क्या होती है, आगे होती है। तो इस साइड क्या हो गया, वी एम सी हो गया, और इन दोनों के मध्य जो कोण बना है वो कितना आपके पास में, पाई वाई टू है। कितना है, पाई वाई टू। तो ये क्या आ गया, इसका फेजर आरेख आ गया। क्या आ गया, फेजर आरेख। ये कब आया है, जब आपके पास में जो परिपथ है वो किसके भांति व्यवहार कर रहा है, आर एल परिपथ के भांति व्यवहार कर रहा है। सेकंड कंडीशन, तो कंडीशन सेकंड को समझना, कंडीशन सेकंड क्या है, यदि आपके पास में वी एम एल छोटा है किससे, वी एम सी से, तो यहां पे लिखेंगे वी एम एल छोटा है किससे, वी एम सी से। तब आपके पास में जो एक्सएल है वो भी छोटा होगा किससे, एक्स सी से। जो एक्सएल है वो भी छोटा होगा किससे, एक्स सी से। तब आपके पास में जो कलांतर है, कलांतर फाई का मान कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। तो यहां पे लिखेंगे कि आपके पास में कलांतर फाई बराबर कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। जब कलांतर फाई ऋणात्मक होगा तब आपके पास में जो परिपथ है वो आपके पास में आरसी परिपथ के भांति क्या करता है, व्यवहार करता है। तो आपके पास परिपथ कैसा होगा, आरसी परिपथ होगा। किसके भांति व्यवहार करता है, आरसी परिपथ के भांति व्यवहार करता है। इसलिए आपके पास में जो परिणामी क्या है, प्रतिबाधा है, वो आपके पास क्या करती है, धारित्य प्रतिघात के क्या होती है, समान होती है। और इसके अंदर आपके पास में जो परिणामी प्रतिबाधा थी वो किसके बराबर थी, आपके पास में परिणामी जो आपके पास प्रेरणिक प्रतिघात थी उसके समान थी, और इसके अंदर किसके समान होगी, धारित्य प्रतिघात के क्या होगी, समान होगी। अब हम क्या बनाएंगे, इसका फेजर आरेख बनाएंगे। क्या बनाएंगे, फेजर आरेख। तो फेजर आरेख को अच्छे से समझना भी, एक्स वाई, एक्स डैश और वाई डैश, और ये क्या है, इसका मूल बिंदु ओ है। तो यहां पे ध्यान देना कि आपके पास में इस साइड आपके पास में क्या है, वी एम आर है, और क्या है, आई एम है, और इसकी कला कितनी आपके पास में, ओमेगा टी है। कितनी है, ओमेगा टी है। तो ध्यान देना भाई आपके पास में, उससे आगे आपके पास में आर सी परिपथ के अंदर जो प्रत्यावर्ती धारा है वो प्रत्यावर्ती वोल्टता से कितना आगे होती है, फाई
कोण क्या है आगे है, तो आपके पास में यहां इस साइड क्या होगा आपके पास में, ये मान हो गया आपके पास में वी एम आर एल सी, फाई कोण क्या हो गया पीछे हो गया, और इसके मध्य ये जो कोण बना है वो कितना है फाइव, कितना है फाइव। अब आगे बात करते हैं संधारित्र की, तो आपके पास संधारित्र के अंदर जो प्रत्यावर्ती धारा आई एम है वो प्रत्यावर्ती वोल्टता से कितना आगे होती है फाई कोण क्या होती है, ओ सॉरी पाई बाई टू कला कोण क्या होती है आगे होती है, इसलिए आपके पास में इस साइड क्या हो जाएगा वी एम सी होगा, और ये मान कितना होगा आपके पास में पाई बाई टू होगा, कितना होगा पाई बाई टू होगा। अब उससे आगे ध्यान देना कि आपके पास में जो क्या है शुद्ध संधारित्र के अंदर जो प्रत्यावर्ती धारा है वो प्रत्यावर्ती वोल्टता से कितना पीछे होती है पाई बाई टू कला कोण क्या होती है पीछे होती है, तो ये क्या होगा आपके पास वी एम एल, और ये जो पूरा कोण है वो कितना है पाई बाई टू है, ये किसका हो गया आपके पास में जब वी एम एल क्या है छोटा है किससे वी एम सी से, तो ये हो गई इसकी सेकंड कंडीशन। अब इससे आगे आपके पास में कंडीशन थर्ड क्या कहती है, कंडीशन थर्ड को अच्छे से समझना, क्योंकि कंडीशन थर्ड से आगे हम तीन टॉपिक और करेंगे, वो भी किसके ऊपर है कंडीशन थर्ड के ऊपर ही करेंगे। कंडीशन थर्ड कंडीशन थर्ड क्या होगी, जब आपके पास में प्रेरणिक प्रतिघात धारित्य प्रतिघात के क्या है समान है, तो प्रेरणिक प्रतिघात क्या होती है एक्सएल किसके बराबर है धारित्य प्रतिघात एक्ससी के क्या है समान है, तो आपके पास जो परिपथ है वो अनुनाद अवस्था में है, कौन सी अवस्था में है अनुनाद अवस्था में, तो परिपथ कौन सी अवस्था में है अनुनाद अवस्था में, तो इस बात का ध्यान रखना भाई जब आपके पास में प्रेरणिक प्रतिघात धारित्य प्रतिघात के क्या होती है समान होती है, तब आपके पास में जो परिपथ है वो कौन सी अवस्था में है अनुनाद अवस्था में, किसमें है अनुनाद अवस्था में है, और अनुनाद अवस्था के अंदर जो आपके पास में प्रतिबाधा जेड थी उसका मान क्या रहता है मिनिमम रहता है, कैसे रहता है वो अभी हम क्या करेंगे आगे डिस्कस करेंगे। अब आपके पास में अगला टॉपिक है अनुनादी, जो आपके पास में टॉपिक है वो है आपके पास अनुनाद अवस्था, टॉपिक को अच्छे से समझना, टॉपिक आपके पास में अनुनाद अवस्था, तो अनुनाद अवस्था किसे कहते हैं, डेफिनेशन बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती है कि एलसीआर परिपथ में अनुनाद अवस्था किसे कहते हैं, तो डेफिनेशन ध्यान से सुनना कि आपके पास में एलसीआर परिपथ के अंदर जब क्या होती है प्रेरणिक प्रतिघात एक्सएल धारित्य प्रतिघात एक्ससी के क्या होती है समान होती है, तब आपके पास में जो अवस्था होती है उस अवस्था को क्या कहते हैं अनुनादी अवस्था कहते हैं, क्या कहते हैं अनुनादी अवस्था, तो आपके पास में अनुनादी अवस्था के लिए यहां लिखेंगे अनुनादी अवस्था के लिए आपके पास क्या कंडीशन होगी एक्सएल बराबर क्या होगा एक्ससी होगा, एक्सएल बराबर क्या होगा एक्स सी होगा, तब आपके पास में जो प्रतिबाधा जेड है प्रतिबाधा जेड बराबर मैंने क्या मान लिखा था आपके पास में मान आया था अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस में एक्सएल माइनस में एक्स सी का होल स्क्वायर,
कितना आया था, एक्स आर माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। तो अनुनादी अवस्था के लिए एक्स आर बराबर क्या है, एक्स सी है, चाहे एक्स आर के स्थान पर एक्स सी डाल दो या एक्स सी के स्थान पर क्या डाल दो, एक्स आर डाल दो, तब आपके पास में जेड बराबर कितना होगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस में एक्स एल माइनस में एक्स एल का होल स्क्वायर। एक्स एल माइनस एक्स एल कितना हो गया, जीरो। तो आपके पास में जो प्रतिबाधा है वो क्या होगी, मिनिमम होगी। प्रतिबाधा क्या होगी, मिनिमम होगी। तो जेड मिनिमम बराबर कितना हो गया आपके पास में, अंडर रूट आर स्क्वायर, स्क्वायर से अंडर रूट क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो जेड मिनिमम बराबर कितना मान आ गया आपके पास में, आर आ गया, कितना आ गया, आर। तो ये मान आ गया आपके पास में कब आया है, अनुनादी अवस्था के अंदर। जब आपके पास में परिपथ क्या होता है, अनुनादी अवस्था में होता है, क्या होता है, अनुनादी अवस्था में होता है, तब आपके पास में प्रतिबाधा क्या होती है, मिनिमम होती है। किसके बराबर है, प्रतिरोध आर के बराबर है। जब प्रतिरोध आर के बराबर है तो हम कह सकते हैं कि अनुनादी अवस्था के अंदर जो परिपथ है उसमें प्रत्यावर्ती वोल्टता और प्रत्यावर्ती धारा क्या होती हैं, समान कला में होती हैं। क्या होती हैं, समान कला में होती हैं। कलांतर का मान कितना होता है, शून्य होता है। सेकंड क्या हो जाएगा आपके पास में, अनुनादी अवस्था के अंदर जो प्रतिबाधा है वो सदैव क्या रहेगी, न्यूनतम रहेगी। क्या रहेगी, न्यूनतम रहेगी। जब आपके पास में प्रतिबाधा का मान न्यूनतम रहेगा, प्रतिरोध का मान न्यूनतम रहेगा, तो प्रत्यावर्ती धारा का मान क्या रहेगा, अधिकतम रहेगा। तो ध्यान रखना आपके पास में प्रत्यावर्ती धारा कितनी होगी, आई एम मैक्सिमम, आई एम मैक्सिमम बराबर हो जाएगा आपके पास में वी एम आर एल सी बटे कितना हो जाएगा, जेड मिनिमम, जेड मिनिमम। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना भाई, जब आपके पास प्रतिबाधा मिनिमम रहेगी तब आपके पास में प्रत्यावर्ती धारा क्या रहेगी, अधिकतम रहेगी, और जब प्रतिबाधा अधिकतम रहेगी तब आपके पास में प्रत्यावर्ती धारा क्या रहेगी, न्यूनतम रहेगी। तो ये हो गया आपके पास अनुनाद अवस्था। अब इसके अंदर अगला जो टॉपिक आता है वो है आपके पास में अनुनादी कोणीय आवृत्ति। ये भी डेफिनेशन बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती है कि अनुनादी कोणीय आवृत्ति किसे कहते हैं। टॉपिक आपके पास में अनुनादी कोणीय आवृत्ति, कोणीय आवृत्ति ओमेगा आर। जो अनुनादी कोणीय आवृत्ति है उसको किससे प्रदर्शित किया गया है, ओमेगा आर से प्रदर्शित किया गया है। तो इसकी डेफिनेशन ध्यान से सुनना भाई, वह कोणीय आवृत्ति, वह कोणीय आवृत्ति जिस पर आपके पास में प्रत्यावर्ती जो परिपथ है उसके अंदर, या फिर इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि वह कोणीय आवृत्ति जिस पर धारित्य प्रतिघात तथा प्रेणिक प्रतिघात का मान क्या होता है, एक समान होता है, तो उस आवृत्ति को क्या कहते हैं, अकोणीय आवृत्ति, अनुनादी कोणीय आवृत्ति कहते हैं। तो डेफिनेशन को दोबारा से सुन लेना, वह कोणीय आवृत्ति जिस पर प्रेणिक प्रतिघात तथा धारित्य प्रतिघात क्या होते हैं, एक समान होते हैं, तो उस कोणीय आवृत्ति को क्या कहते हैं, अनुनादी कोणीय आवृत्ति कहते हैं। तो आपके पास में अनुनादी कोणीय आवृत्ति के लिए आपके पास कंडीशन क्या होगी, एक्स एल बराबर क्या होगा, एक्ससी होगा, एक्स एल बराबर क्या होगा, एक्ससी। एक्सएल क्या है आपके पास में, प्रेणी के प्रतिघात है, और एक्ससी क्या है आपके पास में, धारित्य प्रतिघात है। तो क्या मान होगा आपके पास में, हम जानते हैं कि आपके पास एक्सएल बराबर कितना होता है, ओमेगा एल होता है, क्या होता है, ओमेगा एल होता है। तो आपके पास इसको हम लिख सकते हैं ओमेगा आर एल, और आपके पास में जो धारित्य प्रतिघात होती है एक्ससी, एक्ससी बराबर कितना होता है, वन अपॉन में ओमेगा सी, तो इसको हम लिखेंगे ओमेगा
आर और सी। तो अब यहां ध्यान देना कि एक्सएल बराबर क्या है, एफ सी है, अनुनादी अवस्था के अंदर है, तो क्या होगा आपके पास ओमेगा आर और एल बराबर हो जाएगा वन अपॉन में ओमेगा आर और सी। तो ध्यान देना भैया कि आपके पास में ओमेगा आर को इस साइड भेजेंगे और एल को इस साइड भेजेंगे, तो आपके पास क्या मान होगा ओमेगा आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा वन अपॉन में एल सी। मान किसका निकालना है आपको, अनुनादी कोणीय आवर्ती का ओमेगा आर का मान निकालना है, तो आपके पास ओमेगा आर बराबर कितना हो जाएगा अंडर रूट वन अपॉन में एल सी। वन के ऊपर अंडर रूट लगाने का कोई महत्व नहीं है, तो ओमेगा आर बराबर कितना हो गया वन अपॉन में अंडर रूट एल सी। इस मान को याद रखना भैया, आगे के डेरिवेशनों में इसकी आवश्यकता पड़ेगी। अब इससे आगे टॉपिक आता है आपके पास में कि जो है वह अनुनादी आवर्ती, यहां तो कोणीय आवर्ती है, वहां पे क्या होगी अनुनादी आवर्ती एफ आर। तो टॉपिक आपके पास में अनुनादी आवर्ती एफ आर। तो अनुनादी आवर्ती किसे कहते हैं, ध्यान से सुनना कि आपके पास एल सी आर परिपथ में वह आवर्ती, एल सी आर परिपथ में वह आवर्ती जिस पर प्रेरणिक प्रतिघात धारित्य प्रतिघात के क्या होती है समान होती है, क्या होती है समान होती है, उसे क्या कहते हैं अनुनादी आवर्ती कहते हैं। इसलिए आपके पास में अनुनादी आवर्ती के लिए क्या होगा एक्सएल बराबर एक्स सी होगा, एक्सएल बराबर कितना होगा एक्स सी होगा। अब आपके पास में एक्सएल बराबर कितना मान दिया हुआ है ओमेगा आर और कितना दे रखा है एल, और एक्स सी बराबर वन अपॉन में ओमेगा आर और कितना हो जाएगा सी हो जाएगा, कितना हो जाएगा सी। अब यहां पे ध्यान देना कि आपके पास में कोणीय आवर्ती ओमेगा बराबर कितना होता है टू पाई एफ आर होता है, कितना होता है टू पाई एफ आर, और तो ये मान उठाकर यहां डालेंगे तो आपके पास में ये दोनों क्या है एक्सएल बराबर क्या है एक्स सी है, तो क्या मान होगा आपके पास में यहां हो जाएगा ओमेगा आर एल बराबर हो जाएगा आपके पास वन अपॉन में ओमेगा आर सी। ओमेगा आर बराबर कितना है टू पाई एफ आर एल, तो मान डालो क्या हो जाएगा टू पाई एफ आर एल बराबर हो जाएगा वन अपॉन में टू पाई एफ आर और सी। तो यहां पे ध्यान देना भाई कि आपके पास में टू पाई और एल को क्या करेंगे इस साइड भेजेंगे और एफ आर को क्या करेंगे इस साइड भेजेंगे, एफ आर इंटू एफ आर क्या हो जाएगा एफ आर स्क्वायर, तो एफ आर स्क्वायर बराबर कितना हो गया आपके पास में वन अपॉन में टू पाई मल्टीप्लाई टू पाई, कितना हो जाएगा फोर पाई स्क्वायर, फोर पाई स्क्वायर, और कितना हो गया एल सी, एल सी। अब यहां पे ध्यान देना मान किसका निकालना है हमें एफ आर का निकालना है, तो आपके पास में एफ आर बराबर कितना हो जाएगा अंडर रूट वन अपॉन में फोर पाई आर स्क्वायर, फोर पाई स्क्वायर क्या है एल सी है, तो फोर पाई क्या होगा बाहर आ जाएगा क्या आ जाएगा टू पाई। तो आपके पास में जो एफ आर है एफ आर बराबर कितना होगा वन अपॉन में टू पाई अंडर रूट कितना हो गया एल सी। तो ध्यान रखना इस बात का कि आपके पास में कोणीय आवर्ती कितनी आई है ओमेगा आर बराबर आया वन अपॉन में अंडर रूट एल सी, और आपके पास अनुनादी आवर्ती कितनी आई है एफ आर बराबर वन अपॉन में टू पाई अंडर रूट एल सी, क्योंकि इन दोनों मानों की आगे क्या होगी आवश्यकता पड़ेगी। तो अब उससे आगे आपके पास में इसी के अंदर टॉपिक आता है कि आपके पास में जो अनुनादी आवर्ती एफ आर तथा प्रतिबाधा जेड के मध्य गिरा, तो यहां पे लिखेंगे जेड तथा एफ आर के मध्य ग्राफ, के मध्य ग्राफ, तो क्या ग्राफ होगा ध्यान देना कि आपके पास में
इस साइड आपके पास में मान लिया क्या है प्रतिबाधा जेड है और इस साइड आपके पास में क्या है अनुनादी आवर्ती एफ आर है। क्या है अनुनादी आवर्ती एफ आर। तो इस ग्राफ को अच्छे से समझना कि आपके पास में प्रारंभ के अंदर जैसे जैसे हम प्रतिबाधा का मान घटाते जाते हैं वैसे वैसे आपके पास में क्या होता है आवर्ती का मान जो अनुनादी आवर्ती है उसका मान भी क्या होने लगता है घटने लगता है। तो दोबारा से सुनना कि प्रारंभ के अंदर जैसे जैसे हम प्रतिबाधा जेड या अनुनादी आवर्ती एफ आर का मान घटाते जाते हैं वैसे वैसे आपके पास प्रतिबाधा का मान भी क्या होने लगता है घटने लगता है। परंतु एक निश्चित आवर्ती के ऊपर प्रतिबाधा का मान क्या हो जाता है मिनिमम हो जाता है। क्या हो जाता है मिनिमम हो जाता है। तो ध्यान देना कि एक निश्चित आवर्ती के ऊपर प्रतिबाधा का मान क्या हो जाता है मिनिमम हो जाता है। फिर उसके पश्चात जैसे जैसे हम आवर्ती का मान बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे किसका मान बढ़ता जाता है प्रतिबाधा का मान बढ़ता जाता है। तो अब ये हो गया आपके पास में जेड तथा एफ आर के मध्य ग्राफ। अब इससे आगे ग्राफ और बनाएंगे कि प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल मान तथा आवर्ती एफ आर के मध्य ग्राफ वो इससे क्या होगा उल्टा होगा वो करेंगे अगली क्लास में। तो किसी भी भैया बहना को दसवें चैप्टर के अंदर किसी भी टॉपिक के अंदर आपको प्रॉब्लम है तो आप कमेंट्स करके या व्हाट्सएप पे मैसेज करके हमें बता सकते हैं उस टॉपिक को दोबारा से रिपीट कर दिया जाएगा। तो मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। धन्यवाद।